डाल्टनगंज से चोरी हुई लाखों रुपए मूल्य के बीड़ी पत्ता की बोरी को पुलिस ने मधुपुर से बरामद किया है। करीब 1400 बोरी के चोरी होने की बात सामने आ रही है। घटना के संबंध में व्यवसायी अहमद जमान ने बताया कि डाल्टनगंज स्थित उनके गोदाम से बीड़ी पत्ता की बोरियां चोरी की गई थी, जिसे मधुपुर समेत अन्य जगहों में अवैध रूप से बेचा गया। पुलिस ने चोरी गए माल में से करीब 50 बोरों को बरामद किया है। वहीं अलग अलग जगहों में पुलिस छापेमारी कर रही है। एक व्यक्ति को भी पुलिस ने संदेह के आधार पर हिरासत में लिया है। पाथरौल निवासी चंदन ठाकुर सह परिवार मधुपुर कोट मोड़ स्थित अंबेडकर चौक पर भूख हड़ताल पर बैठा। क्षेत्र में सुदखोरी और जुआ को बंद कराने की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर बैठा चंदन का आरोप है कि पुलिस द्वारा उनकी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इधर पाथरौल थाना प्रभारी ने कहा कि उनके विरुद्ध थाना में कई मामले दर्ज है, थाना में सभी की शिकायत सुनी जाती है और कार्रवाई भी होती है। मैं आवेदन देता हूँ तो कार्रवाई नहीं होता, और मेरे गाँव के व्यक्ति देते हैं तो मेरे विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करते हैं। मैं पुलिस प्रशासन और देवघर प्रशासन से पूछना चाहता हूं, यदि मेरे विरोधी पार्टी देते हैं उस पे आप ईमानदारी से कार्य करते हैं तो मेरे आवेदन पे आप ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि पूर्व में एसआई शंभू यादव को मैं रंगे हाथ एसीबी टीम दुमका से पकड़वाया था, जो 2020 से हमें पेट्रोल पुलिस परेशान करते आ रहे हैं। जब तक हमें सीबीआई से हमारी जितनी पेट्रोल में केस है जाँच नहीं होगी, मैं झारखंड सरकार से मांग करता हूँ कि सीबीआई से जाँच हो, नहीं जांच होगी तो हम लोग सब एसीएम मरियर हैं, सब बच्चे जाल बच्चे हम लोग भूख हड़ताल यहीं पे मरेंगे। झारखंड में हेमंत सरकार द्वारा बिजली माफी योजना का लाभ दिए जाने के बाद बिजली ऑफिस में लोगों की कतार लग गई है। लोग हर हाल में इसका फायदा उठाने में जुटे हैं। इसी कड़ी में मधुपुर के कुंडू बंगला रोड स्थित बिजली ऑफिस में लोगों की भीड़ जुटी रही। बिजली उपभोक्ता अपने अपने विद्युत विपत्र को लेकर कार्यालय पहुंच रहे हैं। विभाग की ओर से जांच के बाद माफी का लाभ दिया जा रहा है। बिजली भी माफ हुआ, सरकार बहुत अच्छा काम किया गरीब के लिए। कितना था आपका बिल? 10,000। सारा माफ हो गया? सारा माफ।